अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अलाइंस एनर्जी जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DOL सर्किट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में, जो कि हमारा रोज़मर्रा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और हम थोड़ी सी मेहनत करके इसको वेरी सिंपल और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसकी ड्राइंग को डिस्कस करते हैं। ये अभी आपके सामने ड्राइंग आ गई। इसमें मेन ब्रेकर है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, ओवरलोड है और मोटर है। तो सबसे पहले सप्लाई मेन ब्रेकर में आ रही है, ब्रेकर से आउट निकल के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में, और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से होती हुई सप्लाई आउट ओवरलोड रिले से डायरेक्ट मोटर। ये अभी हम जाते हैं इसकी पावर डायग्राम की तरफ, आपको पावर डायग्राम दिखाते हैं कि उसमें हमने इस सर्किट को कैसे डिज़ाइन करना है जी। ये हमारे पास इसकी पावर डायग्राम आ गई, रेड येलो ब्लू फेज है, आगे मेन स्विच है या इसको MCB ब्रेकर कह लें, उसके आगे कॉन्टैक्टर है और उसके आगे ओवरलोड, और ओवरलोड के बाद डायरेक्ट मोटर। और अभी हम चलते हैं इसकी कंट्रोल डायग्राम की तरफ कि इसका हमने जो कंट्रोल है वो हमने कैसे डिज़ाइन करना है। तो आइए जी, आपके सामने आ गई जी कंट्रोल डायग्राम। इसमें हमने सबसे पहले फेज़ उठाना है, फेज़ को हमने थर्मल ओवरलोड से क्रॉस करना है इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट से, और उसके बाद आ गया पुश ऑफ बटन, स्टॉप पुश। तो इसको भी आप देखेंगे कि यह भी आपको नॉर्मली क्लोज ही नज़र आएगा। अब इसके बाद आ जाता है पुश ऑन। पुश ऑन से पहले हम एक वायर निकालते हैं, वो दे देते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट पे 13 नंबर पे, और उसके बाद 14 नंबर से वायर निकाल के हम दोनों को आपस में कॉमन कर लेते हैं, और ये जाके दे देते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के पॉइंट ए, जो इसका कॉइल का पॉइंट है, पॉइंट ए पे, और दूसरी तरफ से उसको न्यूट्रल जो है A2 पे दे दी जाती है। ये अब सर्किट हमारे पास इस तरह बनता है कि फेज़ थर्मल ओवरलोड के पॉइंट से होता हुआ पुश ऑफ बटन से होता हुआ हमारे पास आके खड़ा हो जाता है 3 नंबर और 13 नंबर पॉइंट पे। अब जैसे ही हम पुश ऑन करते हैं तो सप्लाई डायरेक्ट A1 पे चली जाती है और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। हम जैसे ये ऑन होता है 13 और 14 नॉर्मली ओपन पॉइंट भी क्लोज हो जाते हैं, और जैसे ही हम पुश को ऑफ करते हैं यानी कि उसको छोड़ते हैं तो ये होल्डिंग पॉइंट के ज़रिए कॉन्टैक्टर कंटिन्यू ऑन रहता है। अब दो पॉइंट है हमारे पास इसको ट्रिपिंग के लिए, या तो हम थर्मल ले जो है वो इसका पॉइंट ओपन कर दे, या फिर पुश ऑफ को दबाएं तो ये इसका पॉइंट ओपन करेगा। जैसे ही कोई एक पॉइंट ओपन करेगा तो सर्किट जो है वो कट हो जाएगा और कॉन्टैक्टर दोबारा ऑफ हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसको हमने कैसे डिज़ाइन किया, पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं। Thank you.
ये आपके सामने मेन चेंज ओवर है जिसमें दो मेन ब्रेकर और दो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं, इनको आपस में हम ऊपर से कपल करेंगे तीनों फेज जो कि इसका चेंज ओवर के तौर पे काम देंगे। ये देखें, ये आपके सामने चेंज ओवर भी रेडी हो गया। अभी एक में जनरेटर की सप्लाई होगी और दूसरे में जो होगी वो वापा की होगी, हम जिसको मर्ज़ी ऑन कर सकते हैं और जिसको मर्ज़ी ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, we